ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जल संरक्षण को लेकर बैठक की। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि जल ही जीवन है, इस जीवन को बनाए रखने के लिए जल संचयन अवश्य करें, जल और वन को बचाएं तभी जीवन बचेगा और आगे पीढ़ियों तक सुरक्षित चलेगा। बारिश के जल का संचयन करें तथा सभी लोग मिलकर जल को बचाने और संरक्षण करने का कार्य करें। जल संरक्षण के कार्य को जन आंदोलन के रूप में एकजुट होकर करें। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा ग्राम प्रधानों के नाम लिखे गए पत्र भी ग्रामीणों के सामने पढ़कर सुनाए, साथ ही जल को बचाने के लिए सभी को शपथ भी दिलाई।